नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपका साथी मोहम्मद शोएब, आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट चैनल। साथियों, आज हम आप पहुँचे हैं यात्री रैन बसेरे में। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं कि कैसी सुविधा उनको मिल रही है यहाँ पे। तो हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए। कोई जो है चार्ज मांगने लेने आया है, अब योगी कहे थे कि यही लोग मांग रहे ये हमारे साथ प्रयागराज कुंभ मेले में आए हुए हैं, हम बात करते हैं। आपका नाम? हमारा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है, हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से? गोमती नगर, लखनऊ से। जी जी जी। तो यहाँ पे आप सार्वजनिक भवन में रुके हुए हैं, जो अस्थायी रूप से बनाया गया टेंट है, सार्वजनिक भवन, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाया गया था। यहाँ पे आप कितने दिन रुके? यहाँ पे हम 3 दिन रुके। 3 दिन? तीन दिनों में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और सबसे अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे वॉशरूम की है, पानी की है। 24 आवर पानी मिलेगा, 24 आवर वॉशरूम मिलेंगे, और सबसे क्लीन एंड क्लियर मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ गंगा जी इतनी साफ़ हो चुकी है यहाँ पे कि पानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं कर किया था कि इतना अच्छा पानी, इतना साफ पानी होगा यहाँ पे। साफ सफाई और इतना वेल मेंटेन यहाँ पे रोड बनाया गया है, डायरेक्शन इतना अच्छा शो किया गया यहाँ पे कि मतलब किसी को भटकने की जल्दी जरूरत पड़ती। अब बहुत ही जो रूरल एरिया से आए उनको दिक्कत होती है, लेकिन जो जो भी हल्का फुल्का सिविलाइज पर्सन है उसको एक भी परेशानी नहीं होती है। कहाँ पे कहाँ जिंदगी कितने जाना है, डायरेक्शन ओवरऑल वॉशरूम वगैरह हर चीज़ सारी फैसिलिटी, बेड फैसिलिटी, हर चीज़ सब कुछ अच्छी है। और 24 आवर लाइट्स रहती है, मतलब चार्जिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल फोन रिचार्ज करना या लाइट्स की, मतलब कोई भी 24 आवर कोई खराब नहीं। सारी सबसे अच्छी फैसिलिटी में लगी, मतलब लखनऊ से हम फर्स्ट टाइम इधर आए कुंभ में, हमने यहाँ पे इन्जॉय किया। बस हम केवल इसी बात में कुंभ में आए कि हमें लगा कि मोदी जी और योगी जी की सरकार है, इसमें तो कोई कमी हो नहीं सकती है, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा फोर्स, इतना ज़्यादा केयर किया है इसका, इस स्प्रिट को लेकर। हमें पदवाली से पता था कि बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स रहेगा इस गवर्नमेंट का। आपने कहा कि योगी सरकार और मोदी सरकार के जो है शासनकाल में कुंभ हो रहा है, इसके पहले जो कुंभ अर्धकुंभ प्रयागराज में हुए हैं उसमें आप आए थे एक आध बार? नहीं, उसके उसमें हम आने की हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा, आपकी नहीं हुई, पहली बार आप अपने लाइफ में पहली बार कुंभ प्रयागराज में जो आयोजित हुआ है पहली बार आप आए हैं? जी। अच्छा, ये अपने माता जी के साथ, माता जी से बात करते हैं। माता जी, आप यहाँ कुंभ में आई, उसके लिए जो है आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आई। आप बताइए कुछ हमारे दर्शकों को कि आपको कैसा अनुभव यहाँ पे महसूस हुआ? आप बहुत ही अच्छा अनुभव, जितना उम्मीद नहीं किए थे उम्मीद से भी बढ़ के मिला यहाँ। एक तो साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा, सारे बिस्तर नए क्लीन मिले, और हर तरह की व्यवस्था साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और लैट्रिन वाशरूम के इतनी ज़्यादा यहाँ टॉयलेट बने हुए हैं कि किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ा है। बस एक कमी जो यहाँ मालूम हुआ, एक ही कमी अभी तक नज़र आई, अगर वो कमी पूरी हो जाए तो शायद ये जो दिव्य कुंभ और स्वच्छ कुंभ का जो सपना है योगी जी का वो साकार हो जाए। यहीं पे भोजन की जो है व्यवस्था अगर हो जाए, जो आते हैं जो यहाँ पे तीर्थयात्री आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, भंडारा वगैरह चलते हैं तो यहाँ पे भंडारे बहुत हैं, यहाँ पे भंडारे खाने, मतलब जो भी गरीब व्यक्ति है मतलब खाने की कोई कुल मिला कोई भूखा नहीं रह सकता। अगर प्रयाग की धरती पर अगर आ जाए आप सबके बताने के अनुसार, यहाँ पे कोई भूखा नहीं सो सकता है ना, कोई सो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 20 मतलब इतने ज्यादा कोई शुल्क आप सबसे यहाँ रुकने के लिए नहीं लिया गया, निःशुल्क सेवा आपको यहाँ पे दी गई। जी जी। और यहाँ पे 24 आवर मतलब इतने ज्यादा भंडारे चलते हैं, कल खिचड़ी में इतनी की, मतलब कल खिचड़ी का त्यौहार था मकर संक्रांति, मतलब किसी को खिचड़ी बनाने की दिक्कत नहीं की हमें पास यार आज मकर संक्रांति खिचड़ी भी नहीं खाने को मिली, तो ऐसा नहीं, इतनी अच्छी खिचड़ी मिल रही थी शिव मंदिर के सामने, इतनी अच्छी खिचड़ी की, मतलब शिव मंदिर काली मार की बात कर रहे हैं। जी जी, इतनी अच्छी खिचड़ी मतलब बहुत अच्छी है, ज्यादा से कभी हमने इतने मतलब टेस्टी खिचड़ी आपने नहीं खाया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो फैसिलिटीज जो यहाँ मिली, कुल मिला के यहाँ आए हुए सभी तीर्थयात्री, सभी श्रद्धालु बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, यह कहा जा सकता है। अभी तक हमने जितने भी हम टेंट में गए, यात्री निवास में गए, वहाँ हमें ये किसी ने अभी तक कोई आलोचना नहीं मिली किसी की। तो इसलिए योगी सरकार की व्यवस्था से सभी आए हुए जो तीर्थयात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, पूर्णतः प्रसन्न हैं। थोड़ी सी तो देखते रहिए आप।